बताओ मुझे, कहाँ है वो खबी? मुझे लगता है कि वो कुछ छुप गया आपको देख के। वो यहीं पे था, देखे उसने मुझे मैसेज भी किया था कि मैं गेट के बाहर इंतजार करूंगा। देखे अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आता हूँ। जाओ आइए बहन आइए, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपके आने की। मुझे खास तौर से इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप गैरों की तरह एन फंक्शन के वक्त नहीं आई। कैसे ना आती, आखिर मेरे मरहूम भांजे ने उसे अपनी बहन कहा था। फोन करना सही, लेकिन रिश्ता तो है ना हमारा, कैसे अपनी दुआओं के सहारे रुक सकता करूं। की बड़ी बहू नजर नहीं आ रही। जी कहाँ थी तुम? ये लो कार्ड, तुम्हें रोजाना आना है। आज रात माई है और मेहंदी से पहले भी एक ढोलक का फंक्शन होगा। तुम प्रिटेंड कर रही हो क्या? वाकई तुम्हें शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा? शादी? कौन सी शादी? मैं किसी शादी की नहीं बल्कि माई और ढोले के फंक्शन की बात कर रही हूँ। ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? अब ना ही आएगी। आपको कम से कम शादी के मौके पे तो उसे मना के ले आना चाहिए था। जितने मुंह उतनी बातें, बात के मसले बाद में निपटते रहते। कोशिश तो की थी मगर आपके हैं तो मैं चलूं आपके साथ। अगर आप मुझे जाने की इजाजत दें तो मैं वादा करती हूँ मैं ना जरूर लेकर आऊंगी। मगर बेटा तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो आज शाम को माइयों बैठना है। तो रात में बैठना है ना, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। करने दे कोशिश से, मैं चली जाती हूँ उसके साथ। हेलो। हाँ यार फरीद, तुम्हें एक नंबर देता हूँ यार, पता कराना कि किसका नंबर है। मुझे मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए यार। मेरा कोई हक तो नहीं है तुमसे, लेकिन बड़े होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ कि घर छोड़ देना कोई मसले का हल नहीं है। भाभी आप क्यों मैदान छोड़ रही हैं? मैंने और राहत ने बहुत कोशिश की कि उसे इस घर से दूर रखें। अब आप पीछे हटके उसके काम को और आसान कर रही हैं। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था नाजो, तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी वो गलतफहमी थी और गलती मेरी थी, मुझे आपको बता देना चाहिए था सब कुछ। अगर मैं बता देती उस वक्त तो शायद आप सब कुछ हैंडल कर लेती। क्या हैंडल कर लेती? मैं तो तब यही करती। वो मेरे होते हुए किसी और को ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती।
अपनी जगह बनाने के लिए ना मैं उसके सामने झुक सकती हूँ ना माफिया मांग सकती हूँ। आप ये सब ना करें मगर कम से कम डट के मुकाबला तो करें। जो औरत आपके हक पे कब्जा जमा रही है उससे लड़े तो सही, इसे झुकना नहीं कहते भाभी। ये ठीक कह रही है बेटा, तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा साथ दे रहे हैं बजाय अपने बेटे के। उन्होंने मकान तुम्हारे नाम करके तुम्हारे कदम मजबूत किए हैं, बल्कि अपने बेटे का बिजनेस अलग करने का मुतालबा भी कबूल नहीं किया। तुम्हें तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। इस खुशी के मौके पर कम अज कम उन्हें दुनिया के सामने शर्मिंदा ना होने दो। एक डेढ़ घंटा वहां बैठा रहा, कोई भी नहीं आया। नहीं अमन, वो वहीं पे था, देखिए उसने मुझे मैसेज भी किया और धमकी भी दे रहा है कि अगर कल मैं अकेली ना आई तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। बकवास। और तुम इन गीदड़ भपकियों को सुनकर रोने लग पड़ी, हद होती है। अमन अगर आपको कुछ हो जाए मेरी वजह से तो? कुछ नहीं होगा मुझे। इस तरह के सड़क छाप रोमियो कम उम्र लड़कियों को देख के उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और तुम ऐसे रो रो कर अपनी कमजोरी शो करोगी तो वो तो दलेर हो जाएगा। Be brave. नहीं ना, आपने उसको देखा नहीं है ना अमन, वो सच में क्रिमिनल लगता है, अजीबोगरीब सी धमकियां देता रहता है। मैं तो सोच रहा हूँ घर से निकलना ही बंद कर दूँ। फिर वही हरकत। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ आइसक्रीम खाओगी? मुझे लगता है कि रुदाबा समझ गई है, आ जाएगी। अल्लाह करे आ जाए। ये मीनू नहीं है? कॉलेज नहीं गई थी? जी अमन ही इसे अक्सर पिक एंड ड्रॉप करते हैं। तो फिर ये वक्त छुट्टी का तो नहीं है? ये कॉलेज गई भी थी या? कब से तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये तुम्हारा नहीं मेरा मसला है, और बल्कि मसला भी नहीं है, तो एक छोटी सी बात है जिसको मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। बस एक बार मुझे नजर आ जाए वो, और अब अगर तुम इसी तरह रोती रहे ना तो मैं सारी बात जाके नाजो को बता दूंगा। नहीं नहीं अमन, आप भी तुम मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप नाजो को कुछ नहीं बताएंगे। वही तो करके फंस गया हूँ मैं, वरना वरना पे कोई आइसक्रीम खिलाएंगे है ना? यू ब्लैकमेलर? खिलाता हूँ अभी। कहाँ थी तुम? कॉलेज? तुम कॉलेज तो नहीं गई थी, और अगर थी भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए। बाकी दो घंटे तुम कहाँ थी? वो मेरे साथ थी। मीनू जूस तो पिलाओ मुझे। क्या हुआ है? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? कहाँ से आ रही हो, कहाँ से जा रही हो? मीनू की बेतकल्फी अहद और अमन के साथ हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, खुसूसन अमन के साथ। मीनू मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है तुम्हें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो लोगों के जहन कहानियां तराशने में बहुत तेज हो। मैंने कहा ना उन्हें मुझसे मोहब्बत है, मैंने भी आज देखा है उनकी आंखों में अपनी मोहब्बत का इजहार। अरे वो देखिए अमन भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं, माशाल्लाह। मीनू भी ऐसा।